एक बार भाजपा की सरकार बनाइए, मां सीता का भी उसी तरह भव्य मंदिर बनाने का काम किया जाए। एक बार कोई फोन उठा दे और कह दे कि हाँ हमको घर पर शराब चाहिए तो होम डिलीवरी मिल जाएगा, यही है ना। अंतरराष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांती श्रीनिवासन के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया गया। 2 दिवसीय बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनी तो राम मंदिर के तर्ज पर बिहार में भी मां जानकी सीता माता का भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। पूर्ण शराबबंदी पर छुटकी लेते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले तो नीतीश कुमार ने बिहार के 11,000 शराब की दुकान खुलवाकर लोगों को शराबी बनाया और फिर पूर्ण शराबबंदी का ढकोसला कर रहे हैं। बिहार में आज खुलेआम शराब की होम डिलीवरी की जा रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तो भू माफिया, शराब माफिया और बालू माफिया या तो नेपाल भागेंगे या तो गया में इनका पिंडदान किया जाएगा। हम लोग को माता जानकी के जन्म स्थान से और जय श्री राम का सपना पूरा जरूर हो रहा है, लेकिन जरूर आश्वस्त करता हूं आप बहनों को कि भाजपा ने कई लोगों को कंधे पर बैठाकर मुख्यमंत्री बनाया। एक बार भाजपा की सरकार बनाइए, मां सीता का भी उसी तरह भव्य मंदिर बनाने का काम किया जाए। जब हम विपदा में आते हैं तभी मां और बहन को खोजने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे यहां विद्या की देवी सरस्वती देवी, धन की देवी लक्ष्मी देवी और शक्ति की देवी दुर्गा और काली, तो हम तो जरूरत पे खोजते ही हैं, लेकिन हम बहनों से आग्रह कर रहे हैं इस शासन में अब भुला जाइए पुराना इतिहास, यानी 2024 के बाद के चुनाव में आधी आबादी जीतना चाहते हैं तो इसकी तैयारी कीजिए कि आज नरेंद्र मोदी जी ने 33% का एक्शन लिया है तो आप ऐसी ताकत बनाए कि 50% आप पार करने का काम करें। आप बंदी हमने कर दिया तो शराबी बनाया किसने था। 2005 में बिहार में शराब की दुकानें थी 987, नॉट इवन 1000, और 2016 में जब नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया कि हम शराब बंदी करेंगे तो बिहार में शराब की दुकानें हो गई 11,000 से अधिक, मतलब बिहार के लोगों को शराबी 11 गुना किसने बनाया, नीतीश कुमार। और आज एक बार कोई फोन उठा दे और कह दे कि हाँ हमको घर पर शराब चाहिए तो होम डिलीवरी मिल जाएगा, यही है ना। तो कल तक 11,000 दुकानें थी साथियों, आज लाखों दुकान खुल गए, लाखों लोग माफिया हो गए। मैं तो स्पष्ट तौर पर कहता हूं शराब माफिया, जमीन माफिया और बालू माफिया, यही 3 अपराधी है बिहार में, और भाजपा की सरकार बहने बनाइए, ये 3 अपराधी या तो नेपाल भाग जाएगा नहीं तो गया में पिंडदान देने का काम शुरुआत कर दिया। अपराधी नहीं बन सकते, अपराध मुक्त बिहार बनाना। और अब सोचिए।